नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नागरिक संशोधन कानून को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही सरकार CAA के नियम जारी करने जा रही है। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब CAA के कार्यान्वयन के लिए नियम जरूरी है। चर्चा के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, क्या इससे पहले CAA को नोटिफाई किया जाएगा। इसके जवाब में अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले ऐसा किया जाएगा। सरकारी अधिकारी ने आगे कहा कि नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। वहीं सरकारी अफसर ने कहा कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। दरअसल इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से CAA पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाल ही में 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता, यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था।